Sairam, everyone, I welcome you all to SRK's exclusive color therapy workshop. See, the purpose of this workshop, हमने color therapy मतलब first time launch ही करी है हमने SRK platform पे. तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है because I want you all to get back to our basics. My motive is ill without pill. ठीक है कि अगर हम इलनेस आती भी है तो बिना पिल के उसको ठीक कर सके. बिकॉज जब हम पिल्स लेते हैं तो हम एक प्रॉब्लम ठीक करते हैं और दूसरी प्रॉब्लम जनरेट करते हैं अंदर और हमें पता भी नहीं चलता. तो अगर आपको कोई क्रॉनिक हेल्थ इश्यू है तो भी आप कलर थेरेपी यूज करके अपने आप को हील कर सकते हो. आपने कभी ये चीज सोची है कि जो सनलाइट है ना उससे कितनी यूजफुल है? जो एक लेमैन है हमारी तरह न्यूट्रिशियस फूड ना खा के भी दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी टू डू वर्क. प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं. एनिमल्स इवन इफ दे गेट इल दे गेट हील नेचुरली बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हैव लॉट ऑफ पेशेंस. दे आर नॉट इम्पेशेंट लाइक अस. हमें तो ये है कि अगर एक प्रॉब्लम हुई फटाफट दवाई खा लो जी. हेडेक हो रहा है मेरे को तो दवाई खानी है मैं तो ठीक नहीं होंगी उसके बिना. बट एक्चुअली ह्यूमन बींग जो होते हैं हमारे अंदर सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है अपने आप को हील करने की बिकॉज वी हैव along with our everything we have our brain too which works miraculously. ठीक है but actually we don't know how to use it. हम उसको logically use ही नहीं करते क्योंकि हमें शुरू से उसको train कर रखा है अपने brain को कि अगर कोई problem आएगी तो उसको pill से ठीक कर देना है. तो हमारी इस workshop का motive भी यही है ill without pill. ठीक है either you want to get on medication or you want to do meditation. The choice is yours. लेकिन कलर्स एक ऐसी चीज है जो हमको नेचुरली हील करने में हेल्प करते हैं. अब कलर थेरेपी जब हम यूज करेंगे अपने हैंड पे मतलब मैं आपको हैंड्स में सिखाऊंगी कि कैसे बॉडी पार्ट्स लोकेट करने हैं कैसे कलर्स को यूज करना है ताकि आप लोग लॉजिकली सीख सको. लेकिन सबसे पहले जब हम कलर्स को अपने हैंड पे यूज करेंगे उसके बाद एक प्रोसीजर होता है इनको कलर थेरेपी ताकि वर्क कर सके. ठीक है वो प्रोसीजर हम लोग करेंगे. उसके अलावा हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है क्या कलर के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं क्योंकि अगर हम लोग वेयर भी करते हैं आपने देखा होगा हम अपने प्लैनेट्स के हिसाब से डेज के हिसाब से कलर्स वेयर करते हैं तो एक्चुअली वो करता क्या है कलर. अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं मंडे को व्हाइट नहीं पहनूंगी तो क्या मैं बीमार पड़ जाऊंगी. बट अगर मैं व्हाइट वेयर कर रही हूँ तो इट विल हेल्प मी टू हील मोर. व्हाई डू वी वेयर क्रिस्टल्स व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू डेज एंड अकॉर्डिंग टू कलर्स. इन सब के पीछे कुछ साइकोलॉजिकल पर्पस होता है जिसको हम पढ़ेंगे. इसमें कौन से डे का क्या पर्पस होता है क्यों हमको वो कलर वेयर करना चाहिए उस डे में. ठीक है कौन सा कलर कौन से प्लैनेट से रिलेटेड है ये तो शायद आप लोगों को पता भी होगा. ठीक है कलर का हमारे मूड से कैसे लेना देना है कौन से वार्म कलर्स होते हैं कौन से कूल कलर्स होते हैं कैसे वो हमारे मूड्स को इफेक्ट करते हैं. कलर एंड ऑरा जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कलर्स हमारी ऑरा से कैसे कनेक्टेड है हमारे चक्रा से कैसे कनेक्टेड है वात पित्त कफ से कैसे कनेक्टेड है कलर्स. ठीक है न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्टेड है कलर्स एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्टेड है कलर्स. उसके अलावा हर एक डिजीज की हम लोग कलर थेरेपी करेंगे. जैसे कुछ ऐसे डिजीज होते हैं ना जो बहुत क्रॉनिक होते हैं जैसे डायबिटीज किसी किसी के लिए तो हेडेक भी बहुत क्रॉनिक होता है बहुत टाइम से चल रहा है. किसी को अपना डिप्रेशन की प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी एंग्जाइटी हो जाती है या बहुत जल्दी डिप्रेसिव टेंडेंसीज हो जाती हैं. किसी को PCOD की प्रॉब्लम है किसी को कैंसर भी है इवन तो दैट वी कैन ऑल्सो मैं ये नहीं कह रही खत्म कर देंगे है ना ऐसे बिल्कुल वी कैन नॉट पेनिट्रेट इट फ्रॉम रूट्स बट यस वी कैन रिड्यूस द इफेक्ट्स बाय यूजिंग दिस. और अगर आप इसको थोड़ा ज्यादा टाइम कंटिन्यू करोगे तो आप ये देखोगे कि आपकी दवाइयां भी कम होती जा रही हैं धीरे धीरे. ठीक है क्योंकि ये वैदिक रेमेडी की तरह ही वर्क करेगी. तो ऐसा नहीं है कि आप इसको आज यूज कर रहे हो तो कल आप ठीक हो जाओगे. इट्स नॉट एन एलोपैथिक मेडिसिन बट यस इट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स जस्ट लाइक एलोपैथिक मेडिसिन ओनली. ठीक है जी फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है फीमेल्स में प्राइवेट पार्ट की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है हमको यूट्रस से रिलेटेड. ठीक है तो अगर
आप लोगों को पता भी है कि यस ये प्रॉब्लम आने वाली है. अब जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर, काफी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने मेडिकल न्यूमरोलॉजी करा हुआ है हमारा, तो दे नो कि अभी मुझे कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है अकॉर्डिंग टू माई दशा एंड अंतर दशा, सो दे कैन क्योर इट, है ना. दे कैन स्टार्ट यूजिंग द कलर थेरेपी कि अभी मेरा ये नंबर एक्टिवेट हो रहा है तो यस मुझे ये इशू आ सकता है, या ये मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा है अभी तो मुझे ये हेल्थ इशूज आ सकते हैं, तो उसकी पहले से ही हम कलर थेरेपी शुरू कर दें 1 मंथ बिफोर या फिर 40 डेज बिफोर, सो दैट हम उसका इफेक्ट कम कर सकें. जैसे हम और रेमेडीज करते हैं अगर हमको कोई हेल्थ इश्यू होता है न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में, वैसे ही ये कलर थेरेपी उनसे भी ज्यादा अच्छा वर्क करती है क्योंकि कलर्स हमसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं. आई थिंक ये सब एग्री करेंगे, है ना. हमारे चक्रा से कनेक्टेड हैं कलर्स, हमारी लाइफ से कनेक्टेड हैं. कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिनको पहन के हम बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत कूल फील करते हैं, बहुत रिलैक्स फील करते हैं, और कुछ कलर्स ऐसे हैं जिनको पहन के हमारा मूड ही ऑफ रहता है पूरा दिन. तो ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली कलर्स का इफेक्ट तो है ही ना हमारे पर इन दैट केस, ठीक है. और डेफिनेटली आप लोगों को हम जो कॉम्प्लीमेंट्री देने वाले हैं 7 चक्रा टम्बल्स, उनको भी आप लोग यूज करोगे फॉर हीलिंग पर्पस, ठीक है. तो जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं सबसे पहले तो सबकी वीडियोस ऑन हो जाएं कृपया. हमारा आज फर्स्ट डे है तो आज हम लोग सीख लेंगे कलर्स और उनका ऑरा से क्या कनेक्शन है और हैंड पे कैसे लोकेट करना है, ताकि आप लोग आज प्रैक्टिस कर लो उसको, ठीक है जी. तो फटाफट छोटा छोटा इंट्रो कर लेते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड विद आवर क्लास. शालिनी जी से बात करते हैं. शालिनी जी, ओम साई राम. ओम साई राम मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए. शालिनी जी कहाँ से क्या कर रखा है? जी मैं कानपुर से, आपसे मेरी फ्री वर्कशॉप में मुलाकात हुई थी, इसी की हो रही थी फ्री वर्कशॉप. तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, और मैंने आपको बताया भी था रेकी लेवल 1 एंड 2. ओके एंड हाँ, बस यही है फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश. एंड यू आर अगेन लुकिंग लवली टुडे. थैंक यू. आपको याद आ गया होगा प्रिटी स्माइल. जी या अच्छा आपने बोला था. जी जी मैंने बोला था. ओके ओके थैंक यू सो मच. यू योरसेल्फ इज सो प्रिटी. थैंक यू मैम, लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न मोर एंड मोर टुडे या फ्रॉम डेफिनेटली यू. टुडे एंड फॉर नेक्स्ट 3 डेज. यस, फॉर नेक्स्ट 3 डेज आल्सो. पक्का पक्का डन. ओके, थैंक यू मैम, गॉड वेलकम टू ब्लेस यू. साइराम क्रिएशंस. थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू. यू टू यू टू. साइशा जी ओम साई राम मैम, ओम कैसे साई आप? राम. आशा जी मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो. हेलो. जी जी साईशा जी, अरे मैम, बहुत आपकी कृपा से, आशीर्वाद से बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है. जब इसे प्रोनोलॉजी का नाम चेंज किया है तभी से बहुत ही अच्छा चल रहा है. जी जी साईशा जी का नामकरण हुआ है पूरा क्रोनोलॉजी से, तो यस मैम, काम वाम ठीक चल रहा है. एंड हाउ इज योर हेल्थ? बहुत अच्छा मैम, सब अच्छा चल रहा है अभी. That's great. साईशा जी जब आई थी तो क्या साईशा जी को क्वेरी थी कि बहुत सारे कोर्सेज करे हैं बट पैसा नहीं कमा पा रहे, राइट? यस मैम. क्योंकि प्रोनोलॉजी से जब नेम चेंज करते हैं तो 360 डिग्री टर्न करती है लाइफ. मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपना पूरा नेम चेंज करा है एंड आप लोगों के सामने है रिजल्ट. यस मैम. चलिए, गॉड ब्लेस यू, वेलकम अगेन टू SRK साईशा जी. जसमीत अरोड़ा जी. ओम साई राम मैम. साई राम मैम, आई एम फ्रॉम दिल्ली. आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन. ओके मैम, मैंने रेकी लेवल 1 एंड 2 किया हुआ है. ओके, रेकी किया है तो दैट्स मतलब आपको ये काफी और हेल्प करेगा आपके क्लाइंट्स के लिए, बिकॉज़ रेकी में भी तो हम मेडिकेट हम हील करते हैं सबको. पर अभी एज अ प्रोफेशन नहीं, अभी तो मैं अपने लिए चेक मतलब ये कर रहा है मेडिकी का. सेल्फ हीलिंग कर रही हूं. यस मैम, यस. ओके, थैंक यू मैम. ओके, आज हम हैप्पीनेस का कलर थेरेपी भी करने वाले हैं क्योंकि सबसे मेन चीज तो यही है कि लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, सब कुछ है पर खुश नहीं है, है ना. तो बाकी कलर थेरेपीज तो हम कल से शुरू करेंगे, बस हैप्पीनेस की मैं आज कराऊंगी आप लोगों को. रूबी जी ओम साई राम. ओम साई राम, कैसे हो रूबी? कैसे हो आप? आई एम गुड, आई एम गुड.
आज तो आप बहुत प्रिटी लग रहे हो, तैयार शैर होके बैठे। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपसे मिलना था ना आज, तो बहुत टाइम के बाद। बट वेबिनार में तो मैं होती ही हूँ हमेशा। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो रूबी जी हमारी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी की स्टूडेंट है, और कैसा चल रहा है रूबी जी करियर वगैरह? म्यूट हो गए आप। भी करती हूँ, हाँ, यूट्यूब पे भी आ गई, और क्लाइंट बेस भी अच्छा बन रहा है धीरे धीरे करके। आपकी ब्लेसिंग भी है और मेहनत कर रहे हैं, जाएंगे आगे। मेन तो आपकी मेहनत ही है, ब्लेसिंग तो मेरी सारे स्टूडेंट्स के साथ ही है। चलिए रूबी जी म्यूट हो गए फिर से। मैम मेरे साइड से अनम्यूट ही है। अच्छा आवाज चली गई थी। ओके ओके, मैं फिर से चली गई। आप वो जो ईयरफोन लगाए ना वो नीचे जा रहा है शायद स्पीकर। अब बोलो, अभी भी नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, फिर से बात करेंगे। वेलकम टू साइरम क्रिएशंस अगेन। अर्चना जी गुड इवनिंग मैम, ओम साई राम, ओम साई राम। मैम आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड टू बी योर स्टूडेंट टुडे। ये मेरा फर्स्ट कोर्स है आपके साथ जूम क्लासेस पे। यस यस, अच्छा आपका फर्स्ट कोर्स है हमारे साथ। हाँ जूम पे, वैसे मैंने वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं बट जूम पे मेरा फर्स्ट कोर्स है आपके साथ, तो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड टू बी योर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच अर्चना जी, वेलकम टू साइरम क्रिएशंस। थैंक यू मैम, योर वॉइस इज वेरी मेस्मराइजिंग। मनिंदर कौर जी, अनम्यूट करिए। मैम क्या हुआ है? हाँ अभी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। मैम मैं अमृतसर से हूँ। okay. और मैंने आपकी क्लास लगाई थी जो वेबिनार था ना कल। हाँ जी, तो फिर मैंने, मैम ये तो फर्स्ट है मेरी क्लास आपके साथ, तो फर्स्ट टाइम है मैंने ज्वाइन किया। जी 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 जी, हाँ जी, वेलकम टू साइरम पेशेंस मनिंदर जी। थैंक यू मैम। ठीक है जी, गुड आफ्टरनून मैम, ओम साई राम। अनदर ब्राइट स्टूडेंट ऑफ एसआर के, ओम साई राम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपकी दुआ है मैम। ये मेरा मैम के साथ सिक्स्थ कोर्स है। इट्स ऑलमोस्ट 8 months आई एम विद साधना मैम, और जितने कोर्सेस आप लाओगी वो सारे मैं करूंगी, क्योंकि आगे ये लेके जाना है और आपका ड्रीम पूरा करना है आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, कि हर एक घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, I have that goal and motto। और साधना मैम इतने अच्छे से पढ़ाती है ना, छोटे बच्चों को भी समझ में आ सके, इतना सिंपल इजी, बहुत सिंपल है बट कंटेंट वाइज मच मोर, क्योंकि जितने भी मैंने मेंटर्स से सीखे हैं तो मैम का कंटेंट बहुत अलग रहता है, बहुत यूनिक रहता है। क्रोनोलॉजी भी मैम ने पहली बार लॉन्च की थी, तो मैं फर्स्ट बैच में उनकी स्टूडेंट थी, और वहीं पे मैम ने मेरी एक वेबिनार में प्रीति कुलकर्णी का पीके बना दिया, तब से तो पूरा 360 की अब 520 टर्न हो गई हूँ मैं। और क्लाइंट भी इतने अच्छे खासे चल रहे हैं, 700 प्लस क्लाइंट हो गए, एंड आई एम अर्निंग हैंडसम मनी। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम, राइज एंड शाइन मोर। या मैम, और जितने भी आप अभी क्लास में हो, वी आर रियली लकी टू हैव मेंटर लाइक हर। वो हर एक की क्वेरी, हर एक के डाउट्स पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर करती है, और उसके बाद ही क्लास एंड होता है हर एक रात के 12 बजे या 12:30 बजे। मैम हमेशा लास्ट एंड तक इतनी ही एनर्जाइज्ड और एंथू रहती है हर एक बैच में, और आपको हमेशा व्हाट्सएप पे सब पे वो हमेशा हेल्प करेगी। सो वी, यू ऑल पीपल आर वेरी वेरी ब्लेस्ड टुडे।
थैंक यू सो मच पीके जी, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग वेरी गुड. या थैंक यू सो मच मैम, आप तो माँ सरस्वती हो मेरे लिए. अरे थैंक यू सो मच, इतनी बड़ी उपाधि मत दो मुझे. नहीं नहीं मैम, सच्ची में अभी तो इतना नॉलेज गेन कर चुकी हूँ ना, बट पहले जब मैंने लोशन सीखा था तब लगा था हाँ अच्छा आ रहा है अभी न्यूमरोलॉजी, जब वैदिक पढ़ा तो लगा अरे बाप रे मुझे तो कुछ नहीं आता था, तो इतना ड्रास्टिकल चेंज हो गया है. और अभी मेडिकल करने के बाद तो ऐसे लगता है ना कि ऑलमोस्ट डॉक्टर ही बन गए हैं हम लोग. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मुझे अभी भी तो रेमेडीज, हाँ रेमेडीज जब करेंगे तो विथ दवाई नहीं, अभी विथ सॉल्यूशन भी काफी हो जाएगा अभी. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. और ये कलर थेरेपी जो है ना, ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. जैसे अब हमने अगर किसी को गलत भी बता दिया, फॉर एग्जांपल अभी बिगनर्स में मेरे साथ भी होता था ऐसा, किसी को हमने गलत कलर भी लगवा दिया अगर कहीं पे, तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ कुछ बहुत नेगेटिव हो जाएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. वेरी ट्रू. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मेथड, और मुझे ऐसा लगता है कि सबको ये सीखना चाहिए अपने लिए, सेल्फ के लिए. क्लाइंट्स तो बहुत बाद में है, लेकिन खुद के लिए भी हमको ही करना. वेरी ट्रू. और सबसे बड़ी बात ना, यहाँ पे आपको न्यूमरोलॉजी ग्रेड नहीं चाहिए, आपको एस्ट्रोलॉजी पता नहीं हो तो भी चलेगा. यू आर प्रॉब्लम एंड आर सॉल्यूशन, दैट्स द बेसिक थिंग. सो ये बहुत अच्छा है अगर आपका बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, है ना, वो क्या करे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगता, फोकस नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है ही, आई साइड वीक है बच्चों की, तो ये चीजें उसमें बहुत हेल्प करती है. True मैम. तो अगर किसी को न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, नो प्रॉब्लम, मैम अच्छे से करवा देती है, सो डोंट वरी एट ऑल, ये मेरी तरफ से गारंटी है. थैंक यू सो मच पीके जी, थैंक यू सो मच. या वेलकम मैम, गॉड ब्लेस यू. या थैंक यू. ओके नेक्स्ट बात करते हैं हम संगीता जी. ओम साई राम संगीता जी. डिवाइन जी नेम से प्लीज ज्वाइन करिए, नाम नहीं पता चल रहा मुझे. हाउ विल वी टॉक आगे जाके. डिवाइन जी अनम्यूट करिए. हेलो मैम, हेमाली हूँ. अच्छा ये हेमाली जी, अच्छा आप डिवाइन नाम से आए हो तो मुझे पता नहीं चला. हाँ हाँ सॉरी, वो है पहले से उसमें. जी 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 वाले. या मैम अभी मेरा दो क्लास वो बाकी है देखने का, बट इवन आई एंजॉय दैट हेल्थ न्यूमरोलॉजी. थैंक यू मैम. मैम वो प्रोडक्ट के लिए मैं अभी 2 तारीख के बाद कॉल करती हूँ, मुझे थोड़ा जानना है. लेकिन अभी हमारा ये चालू हो रहा है ना रिचुअल, वी आर जैंस हो, तो मैंने जैसे आपसे सर का आपने नंबर किसी का दिया हुआ है यूट्यूब, क्योंकि मुझे थोड़ा वो मनी के बारे में और उसका समझना है. आई एम लिटिल कन्फ्यूज क्योंकि क्या है एग्जैक्टली वो, ना जैंस स्टोन है या क्या है ना, वो मुझे नहीं मालूम है. इसलिए आपने अभी बोला था ना हेल्थ न्यूमरोलॉजी में मैम के 4 नंबर वाले को ये मनी और ये ड्रग्स पहनना चाहिए, आप जो पहनते हैं की बात कर रहे हो. हाँ तो वो मनी क्या है ना, दैट आई एम नॉट अंडरस्टैंड. मैं बाद में वो 3 या 5 तारीख के बाद मैम कनेक्ट करूंगी इसके लिए आपको. ओके ओके अपना इंट्रोडक्शन तो दे दो, आप तो मनी की बात ही कर रहे हो सीधा. हाँ आई एम हेमपाली दोषी. मैंने मैम से अभी हेल्थ न्यूमरोलॉजी लर्न किया हुआ है एंड आई एम हैप्पी. वो मेरा फर्स्ट वर्कशॉप था, ये सेकेंड है एंड इवन आई एंजॉय लॉट. एंड मैंने लोशु किया हुआ है, वैदिक का मुझे नॉलेज है लेकिन लोशु मैं अभी तक तो लोशु ही कर रही हूँ. बट इवन आई एंजॉय विद मैम. थैंक यू मैम, मुझे हेल्थ में बहुत कुछ डीपली जानने मिला है उसमें. थैंक यू मैम. दीप्ति गुप्ता जी. हेलो मैम, मेरा अनम्यूट हुआ. कौन बोल रहे हैं? मैं संगीता टिब्रे. जी संगीता जी, यस यस ऑडिबल. यस मैम. ओम साई राम. ओम साई राम संगीता जी. आपके साथ मेरा ये सेकेंड क्लास है, मैंने इससे पहले वैदिक सूक्ष्म वर्ड का किया था. कल मैंने उसका भी वेबिनार अटेंड किया. तो आपका और मैंने न्यूमरोलॉजी की हुई है, और अगर आपके ब्लेसिंग्स रही तो वैदिक भी आपके साथ करने का मेरा विचार है. जी बिल्कुल संगीता जी, पहले ये करती है फिर आगे बढ़ेंगे साथ में. तो बस अब इसमें ये है कि बीच बीच में जो हमारे क्वेरीज वगैरह होंगे वो आप
देखते रहना। डेफिनेटली संगीता जी, ये तो आपको बोलने की बात ही नहीं है कि आपकी कोई क्वेरी होगी और अनआंसर्ड रहेगी। चलिए, वेलकम टू साइरम क्वेश्चंस अगेन संगीता जी। बीजी, बीजी व्हाट्स योर नेम? मैम बीना बोल रही हूँ। ओम साइरम। ओम साइरम बीना जी, कैसे हो? हेल्थ ठीक है अब? हाँ ठीक है, ठीक है मैम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, ग्रेट ग्रेट। हेल्थ ठीक नहीं हो तो आपकी आवाज सुन के हो गई। बस मैम वेरी एंग्शियसली वेटिंग वो मेडिकल न्यूमरोलॉजी का, तो मैं एक ही अटेंड कर पाई थी तभी, आपको पता है। एंड उसके वीडियोस देखने को वक्त नहीं मिला है, बट कलर थेरेपी के लिए मैं बहुत, बिकॉज आई बिलीव इन द साइंस अ लॉट एंड आई थिंक विद योर हेल्प एंड गाइडेंस अच्छे से कर लूँ। बिल्कुल, चौके छक्के मारेंगे। हाँ जी मैम, आप साथ है तो फिर चौके छक्के बाउंड्री के बाहर ही जाए। जी जी जी, मैम बस गाइड करते रहना हमेशा एंड कीप योर ब्लेसिंग्स कि मैं सीख पाऊँ, बिकॉज सीखना बहुत है बट चैलेंजेस भी, जैसे मैंने आपसे बोला था, बहुत है, बट आई एम श्योर आई विल ओवरकम देम। यस डेफिनेटली वी विल ओवरकम, और लाइफ तो है ही, चैलेंजेस वाली लाइफ ज्यादा अच्छी होती है मुझे ऐसे लगता है, बिकॉज वी लर्न अ लॉट। वी लर्न अ लॉट एंड हम चैलेंजेस, ये आती है शायद भगवान का इशारा है कि आप थोड़ा सीरियस हो जाओ, आपके लिए रास्ते खुले हैं तो बिल्कुल। God bless you and welcome again to Sairam Creations. Thank you, ma'am. Thank you so much. Meenakshi ji. Om Sairam Meenakshi. कैसे हो? मैं तो आपको देखती रहती हूँ फेसबुक पे, बहुत अच्छे काम कर रहे हो आप तो आजकल, सोशल वर्क। हाँ जी मैम कर रहे हैं। वेरी गुड, मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छा लगता है आपको देख के ऐसे। थैंक यू मैम, और ये भी सबको, जो भी मैं जानती हूँ वो भी सबको बताती रहती हूँ। अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी जी, तो मीनाक्षी जी कहाँ, क्या सोशल वर्क में आजकल आप बहुत लगे हुए हो? मैं वैसे तो महिला सुरक्षा में गुजरात संगठन मंत्री हूँ, तो वो तो है, लेकिन और दूसरे भी जो हिंदू संगठन है उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। हाँ, बिकॉज मैं बहुत देखती हूँ आपका, आजकल बहुत चर्चा में हो फेसबुक पे। हाँ मैम, छाए हुए आप तो। जी मैम, आप जैसे गुरु के ब्लेसिंग है। नहीं नहीं बिल्कुल, आपका हार्ड वर्क है और क्या। नहीं मैम, ब्लेसिंग भी तो होनी चाहिए ना। ब्लेसिंग्स तो बिल्कुल है, सबकी एक दूसरे के साथ है, आपको मेरी, मेरे को आपकी। चलिए, वेलकम अगेन मीनाक्षी जी टू एसआर के। मीनाक्षी जी हमारी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी की स्टूडेंट है। न्यूमरोलॉजी ठीक चल रही है मीनाक्षी जी, प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ कर रही हूँ मैम, लेकिन मैंने उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है, तो अभी मतलब वीडियोस देख देख के और आगे कर रही हूँ। ओके, और कौन रह गया आप लोग, एंड्रेस कर लो मैंने। प्रीति जी, ओके प्रीति जी, ओम साई राम। ओम साई राम मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं ठीक हूँ मैम, थैंक यू सो मच कि आपने ना मुझे अपना स्टूडेंट बना रखा है। मैम मैंने इतने कोर्सेज किए ना, पहले मैंने न्यूमरोलॉजी की, टैरो किया, बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज किए ना, बट पता नहीं आपके साथ जुड़ के ऐसा हो गया कि फर्स्ट टाइम मैंने आज नहीं किया कुछ भी। अभी तक मैं सिर्फ इन्वेस्ट करती जा रही थी, और अभी वो पीके मैम बोल रही थी ना कि प्रोनोलॉजी से ऐसा हुआ, तो मैं भी मैम सीखूंगी एक बार प्लीज, जब भी कभी आपका कोर्स आएगा ना। और मैंने ये भी डिसाइड किया कि साधना मैम का जो भी कोर्स आएगा ना, शायद मैं नहीं छोड़ पाऊंगी कोई भी कोर्स। मैम रियली यू आर ऑसम, पता है मेंटर्स, ऐसा नहीं है मेंटर्स अच्छे नहीं होते, बट आपके साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल आप बना देते हो ना सामने वाले को, इतना इजी बना देते हो कि आप कुछ भी पूछ सकते हो, और इतना अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हो चीजें, और एनर्जी एक्सचेंज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है कि भाई कोई नहीं कर पा रहा है उस चीज को। तो, लेकिन मैंने मतलब कोशिश मेरी है कि साधना मैम का नाम रोशन करना है हमें भी। डेफिनेटली एंड आई नो आप करोगे बिल्कुल, और मैं तो बड़ी खुश थी देख के जब मेडिकल न्यूमरोलॉजी में प्रीति जी ने हमारा ज्वाइन करा था, तो एक मैंने जनरल एक रेमेडी दे दी थी अपनी, हमारी 151 रामबाण रेमेडी वर्कशॉप होती है जिसमें हम हेल्थ जार बनाना सिखाते हैं, तो मुझे लगा कि चलो मेडिकल न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों को भी सिखा देते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। तो प्रीति जी ने तो उसमें इतना प्रॉस्पर करा, कितने ऑर्डर मिले थे प्रीति जी? 25 मैम, 25।
25 ऑर्डर्स मिले इनको, सिर्फ अभी इन्होंने डे वन ही करा था, हमारी इंट्रोडक्शन क्लास ही हुई थी तो उसी में मैंने सिखा दिया था सबको जार बनाना। तो प्रीति जी ने तो दो दिन बाद पूर्णिमा थी तो शी मेड 25 ऑर्डर्स मिले थे इनको। मैम आपकी ब्लेसिंग्स थी। और पता है मैम आपने जो मुझे टिप दिया था ना कि सबको अंतरदशा महादशा की रेमेडी दे देना, मैंने सबको स्पेशली निकाल कर दी वो रेमेडी। बिल्कुल, दे ऑल आर वेरी हैप्पी। जब उनको फायदा होगा तो वो नेक्स्ट कंसल्टेशन आगे आपसे ही लेंगे। एक्चुअली मैम रियली, और तो आपने तो मेडिकल की क्लास से ट्रिपल कमा लिया। मैम मुझे ना क्रोनोलॉजी मुझे समझ में भी नहीं आया थोड़ा कि है क्या चीज। वेबिनार डला हुआ यूट्यूब पे, एक वेबिनार और है कल, आप ज्वाइन कर लेना। ओके मैम ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, एंड हु एल्स लेफ्ट? दीप्ति जी रह गए। ओके दीप्ति जी कहाँ गए? ओके ये रहे। ओम साई राम दीप्ति जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओम साई राम मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मेरी आपके साथ फर्स्ट क्लास है, लेकिन आपके स्टूडेंट से मैंने आपकी इतनी तारीफ सुनी है कि मैं एक्साइटेड थी और मुझे नहीं पता था कि बाबा की कब ब्लेसिंग होगी और कब हम एक दूसरे से मिलेंगे। और जब ये क्लास मुझे इनरोल करनी थी तब भी मेरे को आपके एक स्टूडेंट ने बोला कि आप पहले पर्सनली मैम से बात करो। मैंने कहा नहीं, जरूरत नहीं लगती, क्योंकि जिनके स्टूडेंट्स इतने ब्लेस्ड हैं और वो अपनी टीचर की इतनी तारीफ करते हैं तो जरूरत नहीं लगती कि मैं उनसे बात करूं। अब तो क्लास में ही मिलेंगे जब भी मिलेंगे। और सीरियसली आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जैसे आपके अभी अभी ऑन क्लास स्टूडेंट्स आपके बारे में बोल रहे हैं, ऐसा ये नहीं है कि ये फेस टू फेस ही सब ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ और वो आपके पीछे से भी हमेशा आपके ऐसे वर्ड टू वर्ड सेम कॉपी होता है कि साधना मैम के पास देने के लिए इतना है कि हम लेने खुद जाते हैं और मिलता पता नहीं क्या क्या है। उसमें से एक रूबी जी भी है आपके स्टूडेंट, मेरे ख्याल से दिन में वो बहुत बार आपका नाम लेती है कि अरे मैम ने ये बताया था, मैम ने ये बताया था। तो सीरियसली आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि हम लोग, थोड़ा टाइम लगा हम लोगों को मिलने में, बट बाबा की ब्लेसिंग्स के साथ हम लोग आज ये क्लास करने जा रहे हैं। आई होप सो कि आने वाले टाइम में मैं भी आपके स्टूडेंट्स में से उन्हीं में से होंगी जो ये कहूंगी कि अगर आप क्लास करनी है तो प्लीज साधना जी से लीजिए। अरे क्योंकि बहुत कुछ मिलता है। थैंक यू सो मच, आई एम ओवरवेल्म्ड। ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए और मैं ये शेयर करना चाहती थी क्योंकि यहाँ पे शायद 20 या 22 स्टूडेंट होंगे लेकिन बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स नहीं है, तो ये आपकी खुद की अचीवमेंट है कि आपके स्टूडेंट आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते हैं और वो आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा उनके वर्ड्स में आप ना हमेशा रिजेंबल करते हो। एक 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 मतलब एक पिक्चर ऑलरेडी क्रिएटेड है कि हाँ साधना मैम मतलब कि एज ए टीचर शी इज दिस 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 एंड दिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं देख पा रही हूँ बाबा के आप भी फॉलोवर हो, हम भी फॉलोवर हैं। हाँ बस यही था, बहुत बार आपका मेडिकल का आया तब भी सोचा क्लास ज्वाइन करनी है, पर कहते हैं ना हमारी लाइफ में बाबा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। जब उन्होंने कैसे कनेक्ट कराना है, कौन सी क्लास से कनेक्ट कराना है, ये मुझे भी नहीं पता था। और विद इन मतलब कल मुझे लगा कि कल आपकी क्लास थी और मैंने एक घंटे पहले ही इनरोल किया था और बस मैंने ये कहा बाबा शायद आज आपकी मर्जी है तो चलो ठीक है। तो मतलब मैं तो हमेशा हर चीज के लिए बाबा की ब्लेसिंग ही है मेरे लिए। आपसे कनेक्ट होना था ये मुझे पता था लेकिन कब होना है बस यही नहीं पता था। तो आई होप सो ये जर्नी आगे कंटिन्यू रहे और बहुत लंबे तक टाइम तक हम लोग साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर सच अ स्वीट वर्ड्स एंड थैंक यू रूबी जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। रूबी आपके बहुत सारे स्टूडेंट है, रुचि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कनेक्शन में है और इन लोगों ने मेरे से भी बहुत सारी मतलब कुछ क्लासेस इन्होंने मेरे से भी ली है। तो मैं एज ए टीचर ना इस चीज को मतलब फील कर पाती हूँ कि एक टीचर के लिए कितना प्राउड मोमेंट होता है जब उनके स्टूडेंट उनके लिए ये वर्ड्स बोल। जी जी बिल्कुल, हैट्स ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड आई विश द सेम फॉर यू। आप भी बहुत ऊपर हो एज अ टीचर, अगर आप भी मेंटर हो तो। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच। ओके गॉड ब्लेस यू। चलिए तो जो हेल्थ जार रेमेडी मैंने उस क्लास में दी थी आप लोगों को भी दे देती हूँ ताकि आप लोग भी अपना और किसी और का भी भला कर सको, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो हेल्थ होती है ना वो
अगर हम किसी को फ्री में भी दे दें और वो ब्लेसिंग हमको मिल जाए तो दैट इज अनमोल, है ना, दैट इज प्राइसलेस। तो हेल्थ की आज मैं आपको 3-4 रेमेडीज दे देती हूँ और फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बॉडी पार्ट समझाऊंगी हैंड पे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है समझने में, ठीक है जी। तो हेल्थ की रेमेडीज आप लोग लिख लो, किसी को रेकरेंट हेल्थ इश्यूज हैं तो एनीवन कैन डू दिस रेमेडी इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर एंड प्लैनेट्स। आपको एक पंपकिन लेना है, 300 ग्राम पंपकिन लेना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है डिजीज पर्सन के ऊपर से 3 बार या 7 बार और उसको गाय को खिलाना है। ऐसा आपको 3 महीने तक जितने भी थर्सडे आएंगे उस पे करना है। क्रोनोलॉजी प्लीज, ओके आई विल बी रिवीलिंग एवरीथिंग, डोंट वरी। एंड कल यस वेबिनार का लिंक मैं शेयर कर दूंगी बिल्कुल हिमाली जी, डोंट वरी जी। हिमाली जी हाँ मैम, मुझे मतलब आपने हम लोग की मुझे तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था हेल्थ न्यूमरोलॉजी की क्लास में डालना, आपने नहीं डाला था, तो या तो हेल्थ या तो पेड वाले ये अपना कलर थेरेपी में प्लीज मैम आपके जो भी वेबिनार्स आते हैं ना या तो कोई उसका ग्रुप होगा जिसमें आप वेबिनार्स के लिंक डालते हो तो मैं बिकॉज इट इज आई जैसे मैंने आपको बोला कि लास्ट वॉज माई फर्स्ट और वैदिक का मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आगे सीखना चाहूंगी मैम। मैंने कॉल पे भी आपको ये बताया था और मैम अभी जैसे आपने ये पंपकिन का बताया उसका मैं पूछना चाहूंगी। मेरे पास अभी एक क्लाइंट है जिनको कैंसर है मैम, शी इज ऑन लास्ट स्टेज, तो मैंने उनको कुछ मंत्र तो दिए हुए हैं बिकॉज आई बिलीव इन मंत्र, तो मंत्र का दिया हुआ है कि एटलीस्ट उनका जाना तो मतलब ये है ही मैम, अभी कभी डॉक्टर ने बोल सकता है तो, लेकिन वो रुद्र मतलब बोलते ना कि दुखी होके नहीं जावे कि शांति में शांति से जो भी अभी जितना भी लिखा है उतना शांति से जिए, तो ये वाला रेमेडी बोल सकते हैं। और एक बच्चा है जिसने अपने डैडी को 2020 कोविड में खोया हुआ है एंड ही इज जस्ट मेरी फ्रेंड का ही बेटा है एंड ही इज जस्ट 5+ मतलब 5 साल 8 या 9 महीने का है, तो अभी उसे लास्ट अभी 3-4 दिन से उसके फादर का उसे बहुत याद आ रहा है और रात को बैठ के रोता है, तो मैम ये तो थोड़ा डिप्रेशन टाइप बोल सकते हैं ना हम मैम कि नेगेटिविटी फील हो रहा है उसे, तो ये वाला आप पंपकिन का बोल रहे हो वो कर सकते हैं मैम। चलो डिप्रेशन की मैं एक रेमेडी बता देती हूँ, बच्चा बहुत छोटा है उसके लिए आपको क्या करना है, उनको बोलना है कि एक जो बच्चा सोएगा रात को तो एक लोटा रखना है कॉपर का बेड साइड पे, ओके ठीक है, क्योंकि पानी जो है ये नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करता है, उसको ढकना नहीं है, ओपन रखना है, ओपन रखना है एंड देन मॉर्निंग में वो प्लांट्स में डाल दें उस पानी को, प्लांट्स में डालना है, फ्लश नहीं करना है ना मैम, प्लांट्स में डालना, फ्लश नहीं करना, प्लांट में डालना है, ओके। और घर का प्लांट या कोई आउटसाइड ट्री होगा तो भी चलेगा? नहीं नहीं घर में भी घर में ही डालना है क्योंकि रेमेडी 40 डेज चलेगी, और तुलसी के अलावा किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, तुलसी में नहीं डालना है बाकी कोई भी प्लांट में चल सकते जी 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 ओके। और मैम ये जो कैंसर वाले पेशेंट है उनको पंपकिन वाला बोल दो ना मैम, पंपकिन का बोल सकती ना उनके घर? हाँ बिल्कुल पंपकिन वाली कोई भी कर सकता है और उनको हेल्थ जार भी बनवा देना। हाँ वो ये मैंने मैम फोन पे मैंने जिसका बोला था ये मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा था, ये प्रीति जी थे मैंने बोला था जिसने आपको बहुत सारे जार का ऑर्डर दिया था राइट, और उन्होंने हाँ मैं उनके बारे में पूछ रही थी आपको कि मैम उनसे अपना फोन पे बात हुआ था, थैंक यू मैम। बीजी बीना जी हाँ जी मैम, एक तो ये पंपकिन वाला वो व्हाइट वाला होता है वो पंपकिन कोला जिसको बोलते हैं येलो पंपकिन, येलो ओके। एंड मैम आफ्टर द सेशन मुझे 2 मिनट आपके चाहिए रिगार्डिंग द महादशा, कुछ पूछना है तो मैं कैसे आपसे कनेक्ट कर पाऊँ? आप मुझे वॉइस मैसेज में क्वेरी भेज देना, ठीक है ठीक है आई विल रिप्लाई, ठीक है। और मैम ये पंपकिन वाला जरा रिपीट कर दीजिए ना, एंटी क्लॉकवाइज 3-7 times हाँ एंटी क्लॉकवाइज एंड देन उसको गाय को खिला देना। एंड कौन से दिन करना है मैम? और थर्सडे 3 महीने तक जितने भी थर्सडे आएंगे शुक्ल पक्ष के थर्सडे से शुरू करना और फिर उसके बाद 3 months तक कॉन्सिक्यूटिवली जितने भी थर्सडे आएंगे यू हैव टू रिपीट 3 months ओके मैम, थैंक यू सो मच। महेश जी हेलो मैडम जी, महेश जी थैंक यू, मैं अभी आंसर मिल गया, अभी उन्होंने पूछे ना मैडम वो पंपकिन का ये रिपीट करने का था ओके अभी तो मिल गया, थैंक यू मनिंदर जी ओके जी एंटी क्लॉकवाइज एक बार रिपीट कर दो मैम। हाँ एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है जो डिजीज पर्सन है उसके सिर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज 3 बार या मिनिमम 3 times मैक्सिमम 7 times एसिड से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है एंड देन उसको गाय को खिला देना है। कभी भी कोई चीज अगर आप किसी पे वारते हो तो यू डोंट हैव टू गिव इट टू एनी पर्सन, हमेशा ये चीज याद रखना।
क्योंकि एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आपकी नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करते हैं और उनको साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बट लोगों को हो जाते हैं. तो ये एक सिन होता है हमारे लिए, ये एक तरह से मैं कहूंगी पाप हो जाता है अगर हम कोई चीज वार के किसी गरीब को दे देते हैं. गरीब भी तो इंसान ही है. मैम 300 ग्राम लेना है? 300 ग्राम लेना है मिनिमम. ज्यादा भी ले सकते हो, मिनिमम 300 ग्राम है. जैसे आप ज्यादा गाय को खिलाने तो ज्यादा भी खिला सकते हो, लेकिन मिनिमम 300 ग्राम तो लेना ही ले. ठीक है मैम, थैंक यू. ठीक है, नेक्स्ट रेमेडी लिख लो आप लोग. अच्छा, डिप्रेशन वाली रेमेडी भी, ये भी कोई भी कर सकता है, जिसमें हमने लोटा भर के रखा था बेड जार पे. ठीक है, वेबसाइट पे. तीसरी रेमेडी हेल्थ जार बता देती हूँ आप लोगों को, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है अगर किसी को भी हेल्थ इश्यू है तो. ये हेल्थ जार जो है ये थर्सडे को बनेगा, या तो शुक्ल पक्ष के थर्सडे को बनेगा या फिर ये पूर्णिमा नाइट पे बनता है, क्योंकि ये पूर्णिमा में हम इसको एनर्जीफाई करते हैं. लेकिन अब अगर बहुत टाइम पड़ा है पूर्णिमा आने में तो आप किसी शुक्ल पक्ष के थर्सडे पे बना सकते हो. आपको क्या करना है, एक भोजपत्र लेना है. ठीक है, डिजीज पर्सन का नाम और उसकी DOB लिखनी है. किससे लिखनी है? ये बैच फ्लावर रेमेडी है. इसमें आपको सनफ्लावर का जो जूस होता है अगर वो अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, उसमें केसर मिक्स करके लिख सकते हो, नहीं तो लाल चंदन से ही लिख लेना. डिजीज पर्सन का नेम लिखना है और उसके अंदर उस पर्सन की फोटो डालनी है, पासपोर्ट साइज फोटो, या आप इस भोजपत्र के अंदर डाल सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो. उसके बाद आपको एक शीशे का जार लेना है. पहले जो ये फोटो है और ये जो भोजपत्र जिसपे आपने नाम लिखा है, इसको देखकर आपको गुरु का बीज मंत्र करना है. ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः. मैं रिपीट कर देती हूँ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः. ओके, आई एम रिपीटिंग द नेम्स इन इंग्लिश ऑल्सो. यू हैव टू टेक अ भोजपत्र एंड सनफ्लावर जूस केसर. You have to mix all the ingredients by putting some sunflower. If it's sunflower juice, then you don't have to put Ganga Jal. If it's something in powdery form and kesar, then you can put Ganga Jal in it. And you have to write the name of the diseased person along with the DOB on a bhojpatra. Now you have to chant 108 times Guru Bij Mantra, because Guru jo hai, inko Jeev Karak aa gaya hai. Theek hai? So it will help you. So aapko ये गुरु का बीज मंत्र चैंट करना है. नॉर्थ ईस्ट में बैठ के करोगे तो ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है ये नेचुरल हीलिंग जोन है हमारे घर का. तो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के आपको करना है.